नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 12 सितंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो निफ्टी फ्यूचर का जो चार्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं। इधर से जो 10,785 में ये सपोर्ट लेने के बाद ये कंटिन्यूसली हायर लोज एंड हायर हाइस बना रहा है। इधर भी एक बुलिश कैंडल तैयार होने के बाद ये थोड़ा सा कुछ मॉर्निंग स्टार जैसा कुछ कैंडल बना है। इसका अपर विक ऊपर अप साइड में है, कोई लोअर विक नहीं है। और इसका जो लेवल है ये 11,000 में, इसका 11,090 में, इसका 11,090 में इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और 10,999 और 10,973 में इसका सपोर्ट है। तो इसका अभी भी अप ट्रेंड में ही लगता है, इसको अप ट्रेंड में जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक भी हो सकता है। इसमें ऑप्शन चेन में देखूंगा तो फिर देखिए, फर्स्टली ये 1.5 के आसपास पीसीआर रेशियो है। तो ये ऑलरेडी मतलब इसका हायर लेवल में जा चुका है, तो हो सकता है इधर से कुछ मतलब पुल कॉन्ट्रा ट्रेड लेके कुछ पुल बैक हो सकता है। पीसीआर रेशियो 1.2-1.3 में आ सकता है, फिर से ऊपर जा सकता है। और इधर देखिए, इधर इमीडिएट रेजिस्टेंस 11,100 मतलब 11,100 में शिफ्ट किया है इसका रेजिस्टेंस। और इधर थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर हैवी रेजिस्टेंस 10,900 में इसका सपोर्ट है। इसमें पुट साइड में हैवी मतलब शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, हो सकता है इधर कुछ शॉर्ट कवरिंग हो। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है 10,900, इसका कॉल साइड में देखिए चेंज इन नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव बट पॉजिटिव चेंज इन प्राइस, मतलब इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इट सीम्स टू कीप इस अप ट्रेंड, बट सम स्मॉल पुल बैक में ऑकर अप टू द 10,970। एंड मैं प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो इसका निफ्टी का ऊपर 11,000 के पास जाने का प्रोबेबिलिटी 21.5% है, 10,900 के आसपास जाने का 5.36% है। मतलब ये अप ट्रेंड में शो कर रहा है। और बैंक निफ्टी मैंने देखूंगा तो बैंक निफ्टी का चार्ट में उसका देखिए, ये भी बुलिश कैंडल बनाने के बाद फिर से ये एक छोटा सा बुलिश कैंडल बना है। और इसका इसका जो इमीडिएट ये 38.27.658 में इसका मतलब सपोर्ट है। उसके बाद 27.477, उसके बाद 27.269 में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट है। और इसका अपसाइड में इसको ये 28,000 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, एक्चुअली 27,892 में इसका रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस करेगा तो हम लोग 28,000 के ऊपर देख सकते हैं इसको, और ये 28,254 तक जा सकता है इस एक्सपायरी में। उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन इसका एनालिसिस करूंगा तो ऑप्शन चेन में इसका भी ऑलमोस्ट 1.74-1.75 मतलब पीसीआर रेशियो बहुत हाई लेवल में इसका आ चुका है, ये पुल बैक हो सकता है। लेकिन इसका शॉर्ट कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और पुट साइड में हैवी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन इसीलिए इसका पुट साइड में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। तो ये बैंक निफ्टी को कुछ